हेलो अक्वेरियस, आइए देखते हैं कि अगर आपकी या आपके पर्सन की राशि कुंभ है अक्वेरियस, तो क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं? विल टेक थ्री कार्ड्स रैंडमली, 1, 2, 3। फर्स्ट कार्ड वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स, सेकेंड कार्ड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड थर्ड कार्ड वी हैव नाइन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। अगर आप डरते हैं या वो डरते हैं, किसी सिचुएशन में स्टक हैं, फियरफुल हैं, तो इनके अंदर इतनी शक्ति आपके प्यार में आई है जिससे ये आपको एक सॉलिड कमिटमेंट दे सकते हैं, या तो दे चुके हैं या देंगे आने वाले समय में। यहाँ पर मैसेज की एनर्जी है, आपसे बात करना, आपके साथ घूमना, आपके साथ रहना, आपकी एनर्जी पाना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ यहाँ पर मूवमेंट की एनर्जी है, एक दूसरे के साथ डेडिकेशन की एनर्जी है, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर एक सॉलिड कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी, एक ग्राउंडेड एनर्जी को डिनोट कर रहा है। सो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं। यहाँ पर फायर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर 8 एंड 9 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन का बर्थ डेट का टोटल या उनकी बर्थ डेट 8 हो या 17 हो या 26 हो या 9 नंबर से रिलेटेड हो। पॉसिबिलिटी ऐसी यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे ट्रू लव करते हैं और आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। यहाँ पर उनकी तरफ से भी डेडिकेशन है, आपकी तरफ से भी डेडिकेशन नज़र आ रही है। बोथ साइड्स यहाँ पे एक दूसरे के लिए लॉयल्टी, डेडिकेशन और कमिटमेंट की एनर्जी है। सो ये रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो अक्वेरियस और आपसे रेजोनेट की हो तो ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।